सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शुक्रवार की देर रात आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने हयात होटल में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। खबर है कि पहले हयात होटल के बाहर खड़ी 2 कारों में ब्लास्ट हुए, इसके बाद आतंकी होटल में घुसे और लोगों के बीच फायरिंग शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक होटल में सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमले में मोगादिशु के खुफिया प्रमुख मुहिदुन मोहम्मद घायल हुए हैं। फिलहाल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। 2017 में मोगादिशु में ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में 275 लोगों की मौत हो गई थी। अल शबाब आतंकियों ने 2016 में केन्या के सैन्य शिविर पर हमला किया था। इसमें 180 सैनिकों की मौत हो गई थी। 2015 में केन्या के यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान 148 छात्र मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।